हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और श्याम अभी सो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी पैकिंग। तो सबसे पहले रख रही हूँ मैं श्याम के कपड़े, तो सारे श्याम के कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं जो जो मुझे ले जाना है, और अपने रखूँगी अब बाद में। पहले श्याम के याद कर करके रख लिए हैं जो जो कि कौन से रखने हैं, और बस मेरी पैकिंग हो जाए उसके बाद में फिर और घर के काम करूं, झाड़ू पोछा बर्तन अभी सब डला है। कहाँ चली बैगें सजा के भाई? हम चले अपने मायके, तुम बैठो अपने घर। अच्छा, हम जा रहे हैं अपने मायके। ठीक है, तो हम तो अपने घर पे ही कर ले भाई, तुम जाओ। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें भी ले चलेंगे। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें तो छोड़ के जा रही। नहीं जा रही, मैं तो वैसे ही कह रही थी, तो दोस्तों ये देखिए इसकी तैयारी है, मायके जाने की, यानी कि महोबा, और देखते हैं महोबा जाती है मुरैना तक पहुँचती है। दो में से एक जगह तो पहुंच ही जाऊंगी, महोबा या मुरैना, दोनों माँ से हैं, दोनों माँ से हैं, दो में से एक जगह पहुंच ही जाऊंगी। मुरैना भी माँ का ही है। ठीक है, कर लो पैकिंग, मुझे तो जाता हूँ कि जो तो ले जाती हूँ मुरैना तक ही रह जाएगी। श्याम भी तैयार हो गया है, बस ये रह गए हैं, तो ये अभी गए हैं नहाने के लिए। नहा कर होने कितनी देर लगनी तैयार होने में? हम लोगों को है साड़ी वगैरह पहनना होता है, जेंट्स को ज़्यादा देर नहीं लगती, बस नहाया, कपड़े पहने, कंघी करी और चल दिए। इसी वजह से वो कह रहे थे कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं सबसे लास्ट में जाऊँगा नहाने के लिए। तो जब तक मैंने नहाया, कपड़े वगैरह धोए, पूजा वूजा की, तब तक श्याम को ये देख रहे हैं, और अब हमसे हम दोनों तैयार हो गए तो वो चले गए नहाने के लिए। और पहली वाली बस निकल गई है, अब एक घंटा पीछे दूसरी वाली बस यहाँ से जाती है हमारे गांव से, तो उसी से जाएंगे। और जो पहले वाली थी वो जाती है 10 बजे, एक घंटा बाद 11 बजे जाएगी दूसरी जो पीछे जाती है। तो हम लोग बस स्टैंड नहीं गए थे कि वहाँ से लौट के आए हों, हम लोगों को यहीं पता चल गया था कि बस वो निकलने वाली है, हम यहाँ से बस स्टैंड तक जाते, जो गांव का बस स्टैंड है जहाँ से बस जाती हैं, तब तक वो निकल ही जाती। इस वजह से फिर यहीं से छत से ही पता चल गया था कि वो निकल रही है, इस वजह से अब पीछे वाले से जाएंगे। और तब तक श्याम भी सो गया है, उसे अब नींद आ गई, तो फिर मैंने उसको सुला दिया, एक घंटा सो लेगा, उसके बाद में फिर जब बस का टाइम हो जाएगा तो जगा लेंगे, नहीं तो सोता हुआ ही गोद में चला चलेगा। और जहाँ पर बस स्टैंड में बस खड़ी होती है जाने के लिए, तो वहाँ के लिए दो रास्ता हैं, कच्ची रास्ता से भी जा सकते हैं और जो रोड है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम लोग इसी रास्ता से निकलते हैं खेतों से होकर, और बस में बैठकर हम लोग काफ़ी आगे निकल भी आए हैं, अभी बाड़ी आने वाली है। श्याम, तुम्हें काला टीका लगाया, तुमने तो मम्मा को भी लगा दिया।
और अब हम लोग धौलपुर पहुंच गए हैं, और जो बस से हम लोग आए हैं वो डायरेक्ट धौलपुर तक की थी, लेकिन अब हमें चेंज करनी पड़ेगी मुरैना के लिए। और हम लोग अब मुरैना भी पहुंच चुके हैं, और यहां से ऑटो रिक्शा कर लिया है, तो बस यहां से रिक्शा में बैठकर पहुंचते हैं पहले दीदी के घर। और आज ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश के मौसम में इतनी तेज़ धूप निकलनी चाहिए जितनी आज तेज़ लग रही है, जैसे गर्मी में चिलचिलाती धूप निकलती है वैसी। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के घर। दीदी तो अभी नहीं है, वो तो स्कूल में है। और आज सच में बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पसीना से नहा रहे हूँ। और श्याम भी जब घर पहुंच जाता है ना रास्ते में तो गोद गोद में रहता है, तो गोद में ना वो भी परेशान हो जाता है, एकदम बंधा हुआ रहता है। उसने ना चैन की सांस ली है, उसे भी आज़ादी सी मिली है। और भाभी भी हैं इस टाइम दीदी के घर में, क्योंकि वो ग्वालियर आई थी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो नज़दीक त्यौहार भी था, दो तीन दिन बाद त्यौहार था, तो दीदी ने फिर यहाँ बुला लिया कि त्यौहार करती जाएंगी। तो मैं भी आ गई हूँ, भैया और भाभी को यहीं राखी बांध दूँगी, नहीं जा पा रही हूँ महोबा, तो यहीं हमें वो लोग मिल गए, तो इस बार रक्षाबंधन यहीं का मना लेते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर शिवांशी, गोलू, श्याम सब की मस्ती चल रही है। और गोलू से तो श्याम काफ़ी बार अभी मिल चुका है, लेकिन शिवांशी से तो छोटे में मिला था जब ये 2 महीने का था तब, तो वो ना देखकर बहुत खुश होता है, गोलू को देखकर खुश होता है कि शिवांशी को बहुत ज़्यादा देखकर खुश हो रहा है। ये देखो मतलब उसी के पास जा रहा है वो, अगर बेड से उतर कर नीचे जा रही है तो वो भी जा रहा है। वो तो शिवांशी के पास जा रहा है शिवांशी। और अब दीदी भी आ चुकी हैं स्कूल से, अब बज रहे हैं 5:00 क्योंकि 4 बजे तो छुट्टी होती है, आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर दीदी मार्केट साइड चली गई थी तो सब्जी वगैरह भी ले आई हैं, और सब्जी के साथ में ना वो एक ट्रे लेकर आई हैं, वही ट्रे मुझे दिखा रही हैं कि देखो सस्ती ट्रे मिल गई है मुझे, काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये ना 30 या 40 रुपये की बता रही थी, तो सच में मतलब विश्वास नहीं होता कोई कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। तो दीदी बोल रही थी मैं भी ले आई, रास्ते में मुझे दिख गई तो मैंने ले ली, सब्जी तो लेना ही था तो ट्रे भी ले ली, तो सच में काफी अच्छी लग रही है। ऐसी ट्रे मिलती हैं 80-60 ऐसी मिलती है। देख भैया कहां है वो फूफा जी, पता नहीं वो बड़े वाले फूफा जी, फूफा जी वो बड़े वाले फूफा जी है, छोटे वाले फूफा जी बड़े वाले कौन से, ये वाले ये वाले अरे बोल दिया मम्मी, ये कह रहे बड़े वाले बोल दिया। देखिएगा दीदी कह रही थी कि आ जाओ आ ले लें आ जाओ श्याम से, तो वो एकदम दीदी के पास जाने के लिए रोने लगा, मेरी गोद से उतरने लगा, और ये देखो हंस रहा है। मतलब वो जैसे जैसे जिन लोगों को पहचानता है ना बहुत ज़्यादा उनसे तो खुश रहता है, जैसे कि गोलू हुआ, शिवांशी हुई। और यहाँ पर हो चुकी है संध्या आरती, और ये देखिएगा हम सब लोग बैठे हुए हैं, मैं दीदी
भाभी और शिवांशी। और सच में शिवांशी बहुत ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, जितनी बड़ी है नहीं है उतनी बड़ी बातें करती है वो। और मैंने श्याम को मच्छरदानी के अंदर पहले से ही कर दिया है, उसका सोने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता वो 1 बजे सोता है 12 बजे सोता है कोई पता नहीं है, तो अंदर मच्छरदानी के खेलता रहेगा। गोलू भी सो गया है। यहाँ पर मैं दीदी को राखी दिखाई दी जो मैंने पहले से ही खरीद ली थी, और दीदी को तो मैंने मेहंदी लगा दी है, तो दीदी बोल रही थोड़ी सी तुम भी लगा लो कि कल त्यौहार है तो थोड़ी बहुत शगुन के नाम पर लगा लो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नहीं हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू और टेक केयर।